तेरे लिए कहाँ कहाँ से मैंने स्पॉन्सर्स लेके आए पता है। तेरे लिए 3 बार चलाए वो गाना। कहानी सुनो, सुबह नहीं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। भट रहा है गाइस, प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आजकल एक्चुअली ब्लॉग शुरू करते करते शाम हो जा रहा है क्योंकि सारा दिन एडिट का काम चल रहा है, एडिट करना पड़ता है सारा दिन, तो करकुरा के घर से निकलते निकलते मतलब शाम ही हो जाते। तो एक्चुअली एवरीडे रात को 8 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो उससे पहले मुझे एडिट करके उसको रेंडर करके फिर अपलोडिंग करने के लिए ऑलमोस्ट सारा दिन लग जाता है। एनीवे अभी तो जा रहे हैं, सैंडी का मैच है, सैंडी आज 100 बनाने वाला है। तू 100 मारेगा? हाँ, आज सैंडी अगर 100 मार लिया तो बोला कि ITC में खिलाने लेके जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो देखते उसको, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम जा रहे हैं। लेक क्लब में मैच है क्रिकेट, तो देखते क्या होता है कि नहीं। बड़ा प्लेयर लेके जा रहे हैं हम। तेरे लिए कहाँ कहाँ से मैंने स्पॉन्सर्स लेके आए पता है। 100 करके आएगा तू आज। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Few moments later. Sandy, कितना रन बनाया रे? Sandy ने अच्छा प्रदर्शन किया आज। Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. बहुत दिन बाद आया है पैनेशिया में खाने के लिए। पैनेशिया जैन जाना है तो चलो जैन, चलो जैन में आया है। इसको देखिए, बुकर को भूख नहीं लगती है इसको। अर्जुन में कांडा चली थी, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। पूरी कहानी सुना के जाना, ठीक है? आज पूरी कहानी सुना के जाना। कौन सा कहानी? जो कहानी सुनने के लिए हम लोग बेताब है। हेलो रोहन, कौन सी कहानी? कहानी सुनो। तेरे लिए 3 बार चलाए वो गाना। कहानी सुनो, सुबह नहीं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तीन बार सुने तेरे लिए, तीन से हो जाएगा क्या लगता है? 3 बार इज द गुड, फोर्थ टाइम इज द बेस्ट। और एक बार चला देना फिर। रोहन क्या पिया तूने? डॉल्फिन। गर्लफ्रेंड का है? पी लिया, साफ हो गया एकदम। बड़ा हरामी हो बेटा।
गाइस बढ़िया भुना मटन और बटर नान। पता नहीं गाइस आज मुझे व्लॉग करने का मन नहीं हो रहा है, बहुत लो सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। एनीवे सैंडी को घर ड्रॉप कर दिए और मैं अभी जा रहा हूँ घर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप। क्या बढ़िया बारिश हो रही है बाहर, सुबह सुबह। तो बहुत दिन बाद मैं आज अभी घर पे हूँ, वेल्ला बैठा हूँ। सोच रहा हूँ कि अपना ये जो पीछे जो दिख रहा है ना, ये वार्डरोब, तो वार्डरोब को बहुत दिन से सोच रहा हूँ मैं ठीक करूँगा, लेकिन ठीक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था इतना दिन से। तो आज सोच रहा हूँ फाइनली इसको ठीक करूँगा मैं। इसको थोड़ा सा इसके अंदर सब बिखरा हुआ है पूरा सामान, ये दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए सारा सामान मैं कुछ यहाँ पे अभी तक ठीक नहीं किया। इसमें कुछ ठीक किया था, फिर भी इसको सब अच्छे से ठीक करना पड़ेगा, समेट के रखना पड़ेगा सब। हालत बहुत ख़राब है, जूता भी मैंने बाहर छोड़ दिया। जूता एक अलग सेगमेंट करेंगे, लगेज ऊपर डाल देंगे और सब सेग्रीगेट करना है अलग अलग। A few moments later, guys, आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे फॉर्मल में आ गया अचानक से। हाँ अरे यार, घर का काम करेंगे सोचा था आज घर बैठ के, लेकिन अचानक से एक काम आ गया, फॉर्मल काम है, तो थोड़ा सा ऑफिशियल काम है, तो इसलिए फॉर्मल पहन के जाना पड़ेगा। तो इसलिए जा रहे, निकल रहे, घर का काम किसी और दिन करना है। तो चलिए निकलते हैं फटाफट। एंड आई होप आई एम लुकिंग गुड एंड फॉर्मल। भाई को कुछ भी पहना दो, कैरी ज़रूर कर लेते हैं। गाड़ी कितनी गंदी हो गई है भाई, जब से कलकत्ता आए हैं तब से गाड़ी नहीं धुलाया मैंने, गाड़ी धुलाना पड़ेगा। A few moments later. So guys, बागुयाटी वाला काम तो खत्म कर लिया मैंने, अभी और एक काम है पार्क स्ट्रीट में, सॉरी पार्क स्ट्रीट नहीं, गरियाट में, गरियाट वाला काम खत्म करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये क्या कांड हो गया यहाँ पे, इतना जैम कैसे हो गया भाई? अरे भाई साहब, पूरा यहाँ पे तो क्या कुछ हुआ है क्या? अरे ब्रिज बंद कर दिया, ले बेटा ये देखिए ब्रिज बंद। भाई चलो, ये लोग ब्रिज बंद कर रहे, क्या कर रहे हैं? पर गाइस गोल्डन आवर पे कितना अच्छा लग रहा है ना, हाँ स्काई देखिए, ओहो मस्त। चलिए ठीक है, पहले काम खत्म करते हैं फिर स्काई देखेंगे। गॉड, लग रहा है कि मेरा चूना लग जाएगा यार, इतना ट्रैफिक, पता नहीं किस बात की ट्रैफिक है इतनी। 7:30 तक पहुंचना पड़ेगा, अभी तक मैं जैम में फंसा हुआ हूँ, पता नहीं। One hour later. So guys, मेरा काम जो है हो गया कंप्लीट। अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है उसके घर पे जाने के लिए, वो बोल रहा है कि जिम करने आने के लिए उसके घर पे। मैं 200 साल हो गया जिम नहीं किया, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टुडे। हाँ बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं किया, एक्चुअली मेरा एक जिम भी था 2020 में, मुझे वो जिम बंद करना पड़ा, आप लोगों को पता ही है कोविड आया था। तो एनीवे उसके बाद ना मेरा एक मेंटल ब्लॉकेज सा हो गया था, तो मैं उसके बाद 4 साल में जिम कभी नहीं गया, बल्कि मैं जिम करना बहुत पसंद करता था उस टाइम पे, उससे पहले भी, बहुत पहले से ही। मैं अपना एक पुराना फोटो अगर हो सके तो यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग एक बार देखना मैं कितना पतला हो गया, अभी तो समझ में आएगा, तब मेरा एकदम डोले शोले सब कुछ था। एनीवे देखते हैं आज एक बार ट्राई करते वो मेंटल ब्लॉकेज जो है एटलीस्ट वो हटाने की कोशिश करते।
अपना दोस्त के घर पे आया अभी एक्सरसाइज करने के लिए, तो चेंज वेंज किया है पर पता नहीं एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं करूंगा। अभी तक ट्रेनर आया नहीं, वेट कर रहा हूँ ट्रेनर के लिए। गाइस ये बाली है, बाली 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 का फील आ गया है मुझे। तीन बात है दिस इज इंग्लिश किचन। क्या फिर से बाली जाना पड़ेगा आपको? हाँ यहीं पे सब भाई आएगा। मेरे दोस्त जो है वो एकदम पूरा घर को बाली स्टाइल में सजाया है। आ रहा है ना बाली वाला फील? हाँ बाली जाने का दरकार ही नहीं है, कैलकटा में आपको बाली दिखाएंगे हम। A few moments later, हवा निकल गया गाइस। चार साल बाद वार्म अप करते ही हवा निकल गया। भिया, भिया, भिया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, come on, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come on, hide this, hide this, sir, hide this, hide this. Oh, come on. 9, come on. 5, 7, 8, 9, 10, come on. Yeah. घट रहा है गाइस। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हटके चार हो गया। गाइस आज के लिए बहुत वर्कआउट हो गया। ये देखिए प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। चार साल बाद मैंने शुरू किया। और इधर आइए आप। हेलो ट्रेनर जी, इधर आइए। और जिसने मुझे आज ट्रेन किया है वो है ये मेरा सर। आपका नाम बता दीजिए। सुमन। हाँ इनका नाम है सुमन। बहुत अच्छा ट्रेन किया है, बहुत बढ़िया किए भी है आज सर। चार साल बाद किए, लग ही नहीं रहा था कि चार साल बाद कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, मतलब फिर से थोड़ा सा जितना हो सके उतना किया है। अब ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू करने के लिए। ये तो ठीक है, एक दिन चालू किया, आज तो थोड़ा सा वो बैरियर जो था वो ब्रेक किया। आज देखते हैं कल से क्या होता है। होपफुली आई थिंक आई विल कंटिन्यू इट दिस टाइम।